हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज मौसम भी मस्त हो रहा है, तो आज मैं एक नंबर वीडियो लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं या वर्कआउट करते हैं या फिर जो रनिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ प्लैंक को करने का सही तरीका। जो कि प्लैंक करते हैं वो कोर की एक्सरसाइज के लिए करते हैं, जिसकी वजह से अगर अपन गलत तरीके से प्लैंक करेंगे ना तो आपको इंजरी हो सकती है, और सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा उस एक्सरसाइज को करने का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों, चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ कैसे करना है प्लैंक। तो किस तरीके से करना है आपको, आपको आप मैट या किसी भी चीज़ पे जिस पे करते हैं आप उस पे करना है आपको। आप कुछ आपको इस तरीके से हाथ रख लेने हैं दोनों, और फिर आपको इस तरीके से हो जाना है। जो बिगनर होते हैं या फिर जिनको पता नहीं होता है वो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जो क्या गलती करते हैं वो या तो अपने हैंड्स को जिस तरीके से रख लेते हैं, हैंड्स को ज़्यादा आगे रख लेते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अपने को हाथों को आगे रखना नहीं है, ज़्यादा कुछ इस तरीके से रखना है, बिल्कुल कंधे के स्ट्रेट रखना है कुछ इस तरीके से, और हाथों को जोड़ना नहीं है, इस तरीके से खोल के रखना है और नज़र बिल्कुल सामने। और अपने को प्लैंक करते समय सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, गर्दन सामने और हाथों को जॉइन नहीं करना है, और जो अपना पेट है उसको अंदर की तरफ मतलब रखना है, सांस लेकर करके रखना है, जिससे कि आपके पेट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पड़े, कोर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पड़े। तो किस तरीके से करना है आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से करना है। ये हाथ हो गए सही, और ये पोजीशन हो गई, और ये नज़र सामने, कुछ इस तरीके की पोजीशन में करना है। आप जितनी भी देर करते हैं लेकिन आपको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, और फ्रेंड्स इसमें आपको तीन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। क्या? एक तो आपको हाथ जॉइन नहीं करने, और नज़र सामने रखनी है, और आपको हाथों को फैलाना नहीं है आगे, बिल्कुल शोल्डर के स्ट्रेट रखना है, शोल्डर और कोहनी एकदम स्ट्रेट साइज में रहनी चाहिए, और अपने पेट को अंदर खींच के रखना चाहिए अपन को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और एक्सरसाइज प्लैंक अपने हिसाब से करें। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कोर की एक्सरसाइज, जो कि कोर की और एब्स की बहुत ही अच्छी तरीके और अच्छी सी एक्सरसाइज है, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, मैं तो इसको सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मानता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको आपकी पेट की चर्बी कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसको अच्छे तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से करें। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वर्कआउट और फिटनेस और रनिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।